हेलो गाइस, तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। गाइस, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे कि हम घर पे ही हर कोई आज के दिन इलेक्ट्रिक आइटम का यूज़ करता है, पर कुछ गलतियां हम ऐसी करते हैं जिससे कि हमारे जान को भी खतरा है, बच्चों की जान को भी खतरा है, तो हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आज उसी पे बात करते हैं। आपको एक बात मैं पहले बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं उनको चलाने के लिए हमें एक वायर दिया जाता है, उसके आगे एक टू पिन लगी रहती है, उसको हम इतना खास इंपॉर्टेंस देते नहीं है, इग्नोर करते हैं। वो टू पिन कितनी इम्पोर्टेंट है हम, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट ये है कि हम सीधे वायर को लगाएं और एक टू पिन के द्वारा हम प्लग में वायर को लगाएं, तो वो उसमें बहुत अंतर है। उसमें अंतर ये है कि जो टू पिन के द्वारा लगाएं तो उसमें हमारी बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, 100% सेफ्टी रहती है, और एक हम सीधे बिना टू पिन के हम वायर को सीधे प्लग में लगाते हैं तो क्या है कि बच्चों को भी खतरा है, कभी उनके हाथ गलती से एक वायर निकल के उनके हाथ के टच हो जाए लगाते वक्त, या कभी एक वायर लगा रहे प्लग में और एक निकल जाए तो भी दिक्कत है, हमको भी दिक्कत है अगर लगाते वक्त गलती से टच हो जाए। और इन चीज़ों को हमें 10-20 रुपए के खर्चे के लिए हमें हमारी जान को कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो आज गाइज हम इसी पे बात करेंगे कि हम जो टू पिन है वो घर पर कैसे चेंज करें, जो भी टू पिन ख़राब हो उसको चेंज करें, या किसी वायर के टू पिन नहीं लगी हुई तो उसको टू पिन कैसे लगाएं, तो इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सभी की जान इम्पोर्टेंट होती है, हमें हमारी जान भी इम्पोर्टेंट है और हमारे बच्चों की जान भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि टू पिन लगा के रखनी चाहिए। ये आज आप उसी चीज़ पे, आप यदि आपके घर में भी यदि इलेक्ट्रिक आइटम है उसके वायर के आगे यदि टू पिन नहीं लगी है, तो आज आप आज ही मार्केट से जाके नई टू पिन लेके आएंगे, वो भी अच्छी, और उसके ज़रूर लगाएं, मैं तो यही बोलूँगा। तो गाइज मैं प्रवीण, तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मिले नई नई वीडियो की। तो गाइज मैं इसी की बात कर रहा था, ये जो आप देख रहे हैं ये टू पिन ही है, इसे टू पिन बोलते हैं हम। क्या होता है कि गाइज इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। गाइज मार्केट में वैसे टू पिन कई टाइप की आती है, नॉर्मली 10 रुपए की आती है, ग्रीस की भी 10 रुपए की आ जाती है। और हमें जब भी मार्केट से टू पिन लाए तो एक बात हमेशा याद रखना, आप अच्छी क्वालिटी की लेके आएँ, कोई ब्रांडेड लेके आएँ। उसमें क्या होता है कि देखो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ कि ये टू पिन है, इसमें देख सकते हैं कि ये जो इसका बाहर का कवर है वो कितना पतला है, यानी हाथ से टूटना चाहिए तो हाथ से भी टूट सकता है। यानी ये क्या होता है कि जैसे कि हम धूप में इसको रख देते हैं या छाया में लेके आते हैं, तो फिर ये गल के अपने आप ही ये प्लास्टिक टूट जाता है। तो इन चीज़ों के लिए हमें अच्छी क्वालिटी की टू पिन लेके आनी चाहिए मार्केट से। तो इस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वायर भी क्या है कि ये वायर होते हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी की लेके आनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि धूप में जो प्लास्टिक होता है इनका वो गर्म होकर फिर छाया में रख देते हैं तो फिर वो सिकुड़ जाता है, और फिर यहाँ से इनमें दरार पड़ जाती है, बीच से कट जाते हैं और फिर हमें करंट लगने का डर रहता है। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज पहले सबसे पहले इसमें एक नट आता है, उसको खोल लेते हैं हम। तो गाइज टू पिन में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए टू पिन में, कि भाई टू पिन अच्छी वैरायटी की है या नहीं, क्योंकि पैसे तो उतने ही लगने हैं। कोई ऐसे भी नहीं है कि ये कोई भाई 15-20 हज़ार रुपये का माल है, ये कोई 10-15 रुपए की आती है मार्केट से, 10 रुपए की अच्छी टू पिन आ जाती है। अंतर ये होता है कि भाई सभी ग्रीस की क्यों नहीं रखते, क्या होता है कि जो कस्टमर को, मतलब क्या होता है कि जो ग्राहक है वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, और जो बेचने वाला होता है वो क्या करता है कि भाई ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या होता है कि ग्रीस की जो टू पिन होते हैं उसमें कम पैसे बचते हैं, उसमें कम से कम 1-2 रुपए बचते हैं, बाकी जो लोकल होती है उनमें 4-4 रुपए 5-5 रुपए, क्योंकि वो वैसे थोक में सस्ती मिल जाती है। तो गाइज क्या है कि हम अब इसको ऐसे सीधे नहीं लगाए, दोनों में इसको जोड़ दिया, फिर इसको पैक कर दिया, इसको ऐसे जैसे मैं बताता हूँ आपको एक बार, ऐसे लगा दिया, फिर इसको ऐसे जोड़ दिया और इसको बंद कर दिया। ऐसा हमको नहीं करना है, जिससे क्या होता है कि इस पर खींचेंगे तो इसते हैं तो तार जो जहाँ से जुड़े रहते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान इसको लगाने का इसमें सही तरीका क्या है, तो गाइस सबसे पहले देख मैं बताता हूँ। वो एक तार के सिरे को इस तरीके से घुमा लेना है हमको, और फिर दूसरे वाले को इस तरीके से नीचे की तरफ से घुमा लेना है, फिर इसमें ये वाला इस तरीके से इसमें लग जाएंगे, और फिर इस तार को ऐसे खींच लेना है।
तो गाइज ये हो गया है, दोनों तार आपस में जुड़ गए हैं। और फिर क्या करना है, इस प्लेट को बाहर निकाल के पहले वाले सिरे को, नीले वाले वायर को इसमें लगा लेंगे हम, इसमें इसमें इस तरीके से टाइट कर देंगे। तो जो दूसरा टुकड़ा है या दूसरा वायर है उसको टू पिन के दूसरे वाले पॉइंट में लगा देंगे। यदि ये वायर ज़्यादा थोड़ा लंबा हो तो उसको घुमा के इसमें ऐसे लगा दें, इसको इसमें ऐसे लगा दें और फिर इस नट को टाइट कर दें। ये वाला नट टाइट हो गया है, ठीक है। इसको आगे पीछे भी हो जाएगा ये थोड़ा, इसको आगे की तरफ खींचने की कोशिश करें फिर आगे की तरफ हो जाएगा। फिर इसको इसमें सेट करते हैं, इस कवर में गाइज मैंने इसको इसे फिट कर दिया है। फिर जो इसका एक नट है, फिर उसके नीचे की उसकी ढेबरी है वो नीचे की तरफ इस यहाँ पे लगा देंगे और नीचे हाथ रखेंगे, नीचे हाथ लगाएंगे क्योंकि ये जो नीचे की इसकी जो ढेबरी है वो नीचे नहीं गिर जाए, इसलिए हम नीचे की तरफ हाथ लगाएंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। तो गैस मैंने देख सकते हैं कि मैंने इस टू पिन को लगा दिया है वायर में। आप इस तरीके से घर पे टू पिन को लगा सकते हैं। अब इसे खींचने पे बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि भाई अंदर से तार ना ही तो इस जो दो पॉइंट है इनमें से ना ही तो निकलेंगे, कभी हाथ से खींच जाए या पैर में आके वायर खींच जाए तो इस टू पिन से तो ये वायर बाहर नहीं निकलेंगे। और दूसरा ये है कि कभी बच्चे भी खींच लेते हैं तो उस चीज़ के कारण भी ये वायर कभी भी इस जो दो पॉइंट है इसमें से निकलेंगे नहीं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमको और यही टू पिन लगाने का एक सही तरीका है। दूसरी बात, हमें जो भी टू पिन हम काम में लें, मैं तो आपको सलाह देता हूँ अच्छी ब्रांड की यूज़ करें, चाहे वो 20 की क्यों ना हो। टू पिन 10 रुपए की टू पिन अच्छी मिल जाती है, ग्रीस की मिल जाती है, वो तो कोई बात नहीं है। पर उसमें क्या होता है कि वो तो जो बेचने वाला होता है वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए लोकल आइटम रखता है, पर आपको उससे बचना है, मैंने आपको बता दिया। तो गैज आप इस तरीके से, आप इन लापरवाहियों के वजह से आप करंट से अपनी जान को बचा सकते हैं। तो गैज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ऐसी ऐसी नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।